हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि हम ई मित्र कैसे लें और ई मित्र लेने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या वास्तव में ई मित्र लेना हमारा सही डिसीजन होगा। आज इस वीडियो में यही बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस नए लुक को, नए सपाटा को देखकर आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये कोई मैंने फैशन नहीं की है। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए बॉडी में, तो उनको दूर करने के लिए इस प्रकार का शेर सपाटा करवाया है। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की, ई मित्र कैसे लें। अगर साथियों आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान के रहने वाले हो और आपने ये सोचा है कि यार अपन भी ई मित्र ले लें, तो ई मित्र लेने से पहले आप इन बातों को विशेष ध्यान से सुन लें। वीडियो काफी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ई मित्र लेना एक कोई बड़ी बात नहीं है। ई मित्र लेने के बाद क्या होता है, वो बातें भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक बेरोजगार युवा हो तो आपके लिए ई मित्र लेना एक अच्छी बात हो सकती है, आपकी सोच अच्छी हो सकती है। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग के जितने भी विभाग हैं आजकल ई मित्र में कनेक्ट कर दिए गए हैं। जब भी अपन कोई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो हमें ई मित्र के माध्यम से फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है। जैसा कि कुछ राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्री सेवा भी हमें दे रखी है, एसएसओ आईडी के माध्यम से भी हम कुछ डिपार्टमेंट के ऑनलाइन फॉर्म वो फ्री में भर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म है या ऐसे विभाग हैं जिनके हमें जब फॉर्म फिल करना पड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं ई मित्र पर जाना पड़ता है, और तब हमारे मन में ये आता है यार क्यों ना हम भी ई मित्र ले ले। अगर आप बेरोजगार युवा हैं, फिर आपके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, आपके मन में ये आपने ठान लिया यार मैं तो ई मित्र ही लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं यार मैं कहाँ से ई मित्र लूं, क्या ई मित्र लेना आपके लिए सही होगा, क्या ई मित्र से हम कितनी कमाई कर पाएंगे, वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बात मैंने आपको बता दी कि राजस्थान के निवासियों के लिए आज हर एक सरकारी विभाग है ई मित्र के द्वारा जोड़ दिया गया है। अगर आप ई मित्र लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ई मित्र कहाँ से ले। देखिए फ्रेंड्स, ई मित्र के लिए अपने राजस्थान में काफी 8-10 कंपनियां हैं जो ई मित्र की सर्विस हमें प्रोवाइड करवाती हैं, और वो कंपनियां भी कमीशन लेती हैं। अब ऐसे नहीं जैसे हम काम करेंगे कुछ कमीशन हमें भी मिलेगा, कुछ कमीशन उनको भी चला जाएगा और कुछ अपनी गवर्नमेंट को भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक जिले के अंतर्गत ये कंपनियां होती हैं और इनके छोटे ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस इनका शायद जयपुर है सभी का। तो ये हो सकता है कि जयपुर के आप निवासी हो या फिर कोई भी जिले के आप रहने वाले हो, तो आपके जिले में जिले का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पर इनका ऑफिस होता है। अब इनके ऑफिस का अपन कैसे पता लगाएं, आपको जाना है emitra.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर, जो मैं आपको कंप्यूटर पर ले जाकर लास्ट में बताऊंगा कि कहां से अपन इनको सर्च करेंगे और कैसे इनके साथ अपन कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, ई मित्र पर जब इन सर्विस का हम पता लगा लें, इसको जाना पड़ेगा, हम इनके पास जाना पड़ेगा और एक फॉर्म वो फिल करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक आईडी, दो आईडी आपकी होनी चाहिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड हो गया और आपका पैन कार्ड कंपलसरी हो गया, आपकी एक वोटर आईडी कार्ड हो गई, बैंक में आपका खाता हो गया, एक आपकी फोटो हो गई, और कुछ राशि लगेगी 10 से लेकर 15 हजार रुपए की राशि। ये अलग अलग कंपनियों की ये जो राशि है वो अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं इसको एक आपको लगभग बता रहा हूँ 10 से 15 हजार रुपए की जो राशि है वो फॉर्म फीस या रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लग जाएगी। जब आपने फॉर्म फीस भर दी, आपने पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर ली, उसके बाद आपको दिया जाएगा ये ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अपन ई मित्र में जो सर्विस है उनको कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, कैसे हमें कमीशन मिलता है। ये तो बात रही रजिस्ट्रेशन करने की, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर के कैसे हमें जो सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनियां हैं उनके पास, उनके कॉन्टेक्ट नंबर या उनका एड्रेस अपन पता लगा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। वो बातें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं ये बातें आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं क्या ई मित्र लेना हमारे लिए सही है इस पर बात करते हैं। हमने ई मित्र का रजिस्ट्रेशन मान लो कराने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बात करता हूं क्या ई मित्र लेना हमारे लिए सही है। देखिए साथियों, एक नजरिए से देखें तो ई मित्र सही है, अगर इसको कमाई की तरफ से देखें तो ये बिल्कुल गलत है। कारण ये है क्योंकि ई मित्र पर कमीशन पर मिलता है, और कमीशन वो भी ना के बराबर।
अगर हम केवल और केवल ई मित्र पर काम करें, ठीक है, मान लीजिए हमने दिन भर में 100 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, तो दिन भर में हमें केवल 1 रुपया ही प्राप्त हुआ, यानी 100 पर 1%। और काफी कुछ अलग अलग सर्विस होती हैं, उन सर्विस पर हमें अलग अलग कमीशन वो देते हैं, जैसे जैसे टेलीफोन का बिल मान लीजिए या फिर बिजली का बिल मान लीजिए, उस पर आपको 2 रुपये देंगे। जब वो बिल 15,000 रुपये का हो चाहे 50,000 का हो, उस पर आपको 2 रुपये कमीशन देंगे। अब मुझे बताओ, आपने दिन में 10 बिल का ट्रांजेक्शन किया, आपके ई मित्र से आपने लाखों रुपये कटवा दिए और आपको कमाई हुई 10 रुपये। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि इस तरह से ई मित्र लेकर के आप अपने रोजगार को दूर कर सकते हो, कमाई कर सकते हो आप? इससे तो मतलब पूरी कमाई नहीं हो सकती। मैं कई बार ये सोचता हूँ यार, ये मित्र वाले क्यों करते हैं इतना, मतलब बेचारा पूरे दिन बैठता है, घर का काम छोड़कर काम करता है। अब बात ये आती है, तो फिर ई मित्र लेकर के हम अपनी कमाई को बढ़ाएं कैसे, ये बात सबसे बड़ी है। अब देखिए साथियों, आपने ई मित्र लेने की सोच ली है, अच्छी बात है, कुछ कमाई तो आपको ई मित्र के माध्यम से हो जाएगी, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि जो काफी जो ई मित्र वाले हैं, जैसे गवर्नमेंट जो रेट है फॉर्म की, वो मान लीजिए 20 रुपए है, और वो उसी फॉर्म के 200, 400, 500 रुपए ले रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है। अगर आपने ये लालच आपके मन में भी है और ऐसा करने आप भी जा रहे हैं, तो आप आज से हिम्मत करिए ई मित्र लेना, क्योंकि काफी सर्विसेज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट फ्री सर्विस देती है और लोग उनके पास भी जा सकते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है ज्ञान कुंज गुरु पर, मैंने पहले जो वो चैनल बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि ई मित्र वाले हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। लोगों को लूटना नहीं है, लोगों की सेवा करनी है आपको, और आपकी भी कमाई करनी है साथ में, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, देखिए मेहनत हमारी है। देखिए मान लीजिए हमने एक फॉर्म भरा, 50 रुपए का चालान अपने ई मित्र से हमने कटवाया और हमें प्राप्त हुए 2 रुपए, तो 2 रुपए में हमारी बिजली भी जली है, हमारा प्रिंट का पेपर भी खराब हुआ है, हमारा दिमाग भी उसमें लगा है, मेहनत लगी है। तो देखिए 50 की बजाय उसका अपन 100 या 150 रुपए अपन ले सकते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन आप उसमें 500 रुपए ले रहे हो, तो क्या वो कस्टमर मुझे एक बार तो आपको दे देगा भूल में आकर के, लेकिन वो आपसे नाराज होगा, बाद में किसी दूसरे को बताएगा, नहीं यार ये तो ये मित्र वाला है, अच्छी लूट है वो कर रहा है, तो अच्छी लूट पे होने के कारण शायद वो खुद भी नहीं आएगा और वो दूसरों को भी नहीं आने देगा। तो यहां ध्यान रखें, ई मित्र के साथ आपको करना है एक्सटर्नल काम। एक्सटर्नल काम क्या करोगे, आप बैंक की बीसी ले सकते हो। बीसी का मतलब ये है कि आप मिनी बैंक की ब्रांच है अपने ई मित्र के साथ खोल सकते हो। इसके लिए आपको किसी बैंक है, चाहे SBI बैंक है, बड़ौदा बैंक है, कोई भी बैंक है, उससे जो मैनेजर से मिलकर के आप जो भी कॉन्टेक्ट होता है, तो वहां पर जैसे आप ट्रांजेक्शन करोगे, जितना लेन देन करोगे, लोगों को पैसे निकाल कर दोगे या जमा करोगे, तो उस पर काफी कमीशन है, तो ये सबसे बड़ा है साधन है। इसके अलावा आपको ई मित्र के साथ साथ और भी एक्सटर्नल काम करने हैं, जैसे जितने भी एग्जाम के जो फॉर्म आ गए वो आपको भर के देना है, लेकिन लूटना नहीं है लोगों को, आपको एक हेल्प की सहायता से धीरे धीरे आपकी कमाई है वो अच्छी होने लग जाएंगी। तो देखिए ई मित्र लेना अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल ई मित्र पर अपन डिपेंड हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ई मित्र से इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती है। और उसके साथ अगर आप में कोई प्रतिभा है, योग्यता है एक्सटर्नल काम करने की, तो आप वो कर सकते हैं। मैं समय समय पर इस चैनल पर ई मित्र से या गवर्नमेंट की जितनी भी विभाग की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की वीडियो में डालता रहूंगा, और तो वो आपको मिलते रहेंगे, उससे आपको गाइडेंस वो मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए, और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। काफी ई मित्र वाले हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं खुद ई मित्र नहीं चलाता हूँ, लेकिन काफी नॉलेज इस चीज के बारे में रखता हूँ। अब अपन चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पता लगाते हैं कि कहाँ से हमें ई मित्र सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना है, कैसे उनसे हम संपर्क करें, और जैसे उनसे संपर्क आप कर लोगे तो पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की वो आपको बता भी देंगे, वैसे मैंने नॉर्मली वीडियो में आपको बता भी दी है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लीजिए फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और अब हम पता लगाएंगे कि कैसे हम अपने एरिया में या अपने जिले में किसी ई मित्र देने वाली कंपनी का अपन पता लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक वेबसाइट आपको लगानी है, imitra.rajasthan.go.in पर। यहाँ पर आपको ई मित्र के बारे में, अपने राजस्थान की जितने भी ई मित्र की योजनाएं चल रही हैं, रेट चल रही हैं, क्या रेट चल रही हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, या तो आप यहां से जाकर डायरेक्टली अगर यहां से सर्च करोगे तो आपको जो ई मित्र सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाएंगे। जो LSP होते हैं, जो हमें सर्विस देते हैं, वो डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको सीधा ही सर्च बार में लिखना है। अगर आप मोबाइल में भी ढूंढ रहे हो तो भी गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउजर, उसमें आप सर्च कर लें और लिखना ई मित्र LSP। ठीक है, ई मित्र LSP आप जैसे लिखोगे तो आपके सामने एक पेज है, वो ओपन हो जाएगा। और इस पेज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज है, वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रत्येक जिले में और जो भी, मैं यूं कहूँ कि अपने राजस्थान में जितने भी कंपनियां हैं जो हमें ई मित्र की सेवा प्रदान करती है, उन कंपनियों की लिस्ट आपको यहाँ आ जाएगी। और लगभग ये जो कंपनियां फिलहाल हैं, ये आ रही हैं, फिलहाल 61 आ रही हैं, 61 कंपनियां आ रही हैं। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं, जो टॉप कंपनी पे चल रही है, जो आचार्य टेक्नोलॉजी यहाँ चल रही है फ्रेंड्स, जो आचार्य टेक्नोलॉजी है ये चल रही है। ठीक है, तो ज्यादातर आचार्य टेक्नोलॉजी से यहाँ का इनका सपोर्ट है, मैंने देखा है। मेरे आसपास के जितने भी ई मित्र हैं वो ज्यादातर आचार्य टेक्नोलॉजी से चलते हैं, तो आचार्य टेक्नोलॉजी से लेना उचित होगा मेरे हिसाब से यहाँ, क्योंकि ये समय समय पर इनकी जो गाइडेंस है और इनका जो एक नया ई मित्र खोलने वाला जो व्यक्ति है, उनको समय समय पर प्रशिक्षण है वगैरह वगैरह ये देते रहते हैं, यानी इनका अच्छा सपोर्ट है। आप फोन से भी बात करोगे, मैं मेरे एरिया की बता रहा हूँ, तो इस एरिया में ये अच्छी कंपनी चल रही है आचार्य टेक्नोलॉजी, तो आप इनके नंबर से यहाँ कॉल कर सकते हो। इनका जो हेड ऑफिस जो होता है, इनका जयपुर है हेड ऑफिस तो, और वैसे हर जिले में इनका एक सब नोडल बोल दो या फिर सब ऑफिस बोल दो, खुला हुआ होता है, क्योंकि क्योंकि हर जिले में इनके ई मित्र होते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ से नंबर लेकर के उस व्यक्ति का और उनसे आप बात करके अपने एरिया का पता लगा सकते हो, या आपको उनको कांटेक्ट नंबर है वो भी दे सकते हैं, आपको स्थान भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी ई मित्र लेने के लिए आप अपने एरिया का पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में अपने को क्या दे रही है। दूसरी बात, इनका जो मार्जिन है, आप पहले इनसे बात कर लें और जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे वो आपको पहले इनको देने होंगे, और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी होगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ई मित्र हैं वो शुरू कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ई मित्र के बारे में, किस प्रकार से अपन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी अपने राजस्थान में जो कंपनियां हैं वो वर्क कर रही हैं ई मित्र देने के लिए, तो वो बातें मैं आपको बताई। तो फ्रेंड्स, ये तो था कैसे अपन ई मित्र ले, कहाँ से अपन जानकारी ले, इस प्रकार की जानकारी मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित और गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित समय समय पर जो वीडियोज हैं वो मिलते रहेंगे। शर्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो। और अगर इसके बाद भी आपके कोई कमेंट हो और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।